डोईवाला में बीजेपी प्रत्याशी बृजभूषण गैरोला के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट मांगे। डोईवाला में आयोजित जनसभा में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने धारा 370 और राम मंदिर का जिक्र करते हुए लोगों से दोबारा प्रदेश में बीजेपी को जिताने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। संभावन से कह रहे थे एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा। आपने ताकत दी मोदी जी की इच्छा शक्ति, अमित शाह की रणनीति, धारा 370 धाराशाही कर दी, ये हमको याद रखना है। राम जन्मभूमि कांग्रेस ने लटकाया, अटकाया, भटकाया। समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि बनाने में हमेशा अग्रसर रहे और आज भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। 3 तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक को समाप्त करो, किसी में ताकत नहीं थी। यह मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के 13वीं शताब्दी के दंश से उनको आजाद किया और करोड़ों बहनों को 3 तलाक से आजाद करके रख दिया। यह बढ़ता भारत है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति, यह विकास की बात, कभी आपने किसी दूसरे राजनीतिक दल को कोई रिपोर्ट कार्ड देते हुए देखा है? कभी कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है? हर चुनाव उनके लिए नया होता है, नए नारे, नए वायदे, नई बेवफाई, अगले चुनाव में फिर नए वादे, पिछली बातें भुला दो। ये लोगों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पूरा फोकस अपने द्वारा किए गए कामों को गिनाने में रहा, तो वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बहनों भाइयों, आज से 5 साल पहले मैं अपने लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते, और पिछले 2002 से और पिछली बार 25,000 से अधिक वोटों से मैं यहां से जीता हूं। 61.8% वोट, एक प्रचंड बहुमत के साथ आपने यहां से चुनकर मुझे भेजा। मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला। और पिछली बार जब मैंने अपनी पार्टी का एक यहां पर इस विधानसभा का एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था कि मेरी परिकल्पना क्या है डोईवाला विधानसभा की, तो मैंने आप सबके आशीर्वाद से एक आदर्श विधानसभा का मैंने संकल्प लिया था, और आज ये विधानसभा एक आदर्श विधानसभा की ओर बढ़ रही है। आने वाले 8-10 सालों में इसका जो स्वरूप होगा वो बिल्कुल अलग होगा। हम सब जानते हैं कि हिमालयन मेडिकल कॉलेज जोली ग्रांट बना, पूरी तस्वीर बदल गई। ये ऐसा प्रतिष्ठान, ऐसे ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रानी पोखरी में बनने जा रही है, उसका काम चालू है और आने वाले कुछ दिनों में, वर्षों में ये यूनिवर्सिटी यहां पर बन जाएगी। आज सारी चीजें ग्लोबल हो रही हैं, सारी चीजें हम इंटरनेशनली आज जुड़ रहे हैं, तमाम इंटरनेशनल संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं। हमको उसके लिए बहुत हायर लेवल की लॉ की पढ़ाई चाहिए, शिक्षा, लॉ की शिक्षा चाहिए, कानून की शिक्षा चाहिए। इस लॉ यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे यहां से बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, हम तो कल्पना करते हैं ऐसे लॉयर यहां से बनेंगे और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। ये एक बड़ा प्रतिष्ठान, मैंने लास्ट कोने की बात आपसे की है। बृजभूषण गैरोला जी को की जिम्मेदारी है इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और मुझे इसकी योग्यता पर, बृजभूषण जी की योग्यता पर मुझे पूरा विश्वास है कि इसको निभाएंगे।
इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे जो बड़ा काम होगा ये हमारा आईसर का होगा जो बालावाला में बनना है। बाकी तो सब चालू हो गए, सब में पैसा चला गया है, इसमें भी भूमि हस्तांतरण का काम चल रहा है, भारत सरकार ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है, ये संस्थान यहाँ पर बनेगा। तो ये हमारे केवल न केवल विधानसभा के लिए बल्कि हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश से यहाँ पर एडवांस साइंस की पढ़ाई के लिए यहाँ पर हमारे बच्चे आएंगे, वैज्ञानिक। आपकी बार, हाँ, क्योंकि और कोई है ही नहीं, निर्दलियों को तो कौन पूछेगा, कोई पूछेगा, कोई पूछेगा, तभी कहाँ पूछेंगे जब राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी बिल्कुल चौराहे पर खड़ी हो गई। अब लोगों ने यूं यूं कर दिया उसको, यूं 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 नहीं, पहले तो यूं कहा फिर यूं यूं कर दिया, जाओ कह दिया कि नहीं जाओ भाई, काफी कर दिया तुमने, देश का बहुत अहित कर दिया, अब तो जाओ हाथ जोड़ कर जाओ, ऐसा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। और इसलिए इस समय इस विधानसभा में एक इतिहास बनाना चाहिए, करो ना जाओ, कौन मना करेगा आपको, छा जाओ, कितना काम हुआ उसको गिनाओ। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने मिलकर के जितना काम किया सोच नहीं सकते, मुझे भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड, जहां घर घर में सैनिक है और देश की आजादी के आंदोलन में इस उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाइयों बहनों, और मुझे उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में जन्म लेने का भी सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, कि मेरे परिवार ने भी इस देश की आजादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, उत्तरांचल राज्य के निर्माण में भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तहत हम लोग कई बार गए, जेल गए। भाई बलराज पासी जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनके टीम में मैं था, निशंक जी थे, हम सब लोग मिलकर के उत्तरांचल राज्य के निर्माण के लिए आंदोलनरत थे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, विकास के काम बहुत हुए, आदरणीय नड्डा जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस विधानसभा के लिए, इस विधानसभा के सुदूर क्षेत्र, चाहे धारकोट, लड़वाकोट, निथाना का, सतेली का पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे अपना बालावाला, हरिपुर, शेरगढ़, नवादा का क्षेत्र हो, मैं इस विधानसभा की भौगोलिक स्थिति से भली भांति परिचित हूं और मैंने यहाँ के विधानसभा के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जो भी काम करूंगा विकास के काम करूंगा, नौजवानों के हाथों में रोजगार होगा, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हम काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों,